मुंबई के कांदिवली में दर्दनाक हादसा, 15 मंजिला इमारत की 14वीं फ्लोर पर लगी भीषण आग, हादसे के दौरान मची भगदड़। दमकल कर्मचारियों ने किया 7 लोगों का रेस्क्यू, आग में झुलसने से 2 बुजुर्ग महिलाओं की मौत। दिवाली के पटाखे या शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका, आग लगने के बाद काटी गई बिजली। लखनऊ में सिटी कार्टमार्ट में लगी आग, हादसे के दौरान फंसे आधा दर्जन से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। हादसे के दौरान मार्ट के ऊपर बने फ्लैट में फंसे लोग, एक शख्स की हालत गंभीर। दिल्ली में आज होगी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम मंत्री करेंगे शिरकत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत, प्रधानमंत्री देंगे समापन भाषण। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी पदाधिकारी होंगे शामिल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे बाकी लोग। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उपचुनावों के नतीजों और नेताओं के पलायन पर होगा मंथन, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर तय होगी रणनीति। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी में चुनाव को लेकर देंगे फीडबैक। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पहले नंबर पर पीएम मोदी, अमेरिकी कंपनी द मॉर्निंग कंसल्ट ने दी 70% रेटिंग। जून के मुकाबले इस बार और बेहतर हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग, जो बाइडेन 6 नंबर पर, 10वें नंबर पर बोरिस जॉनसन। रोहतक में बीजेपी नेताओं को रोके जाने से सियासी संग्राम, सांसद अरविंद शर्मा ने कहा पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को किया परेशान तो आंख निकालकर हाथ काट दिया जाएगा। सांसद अरविंद शर्मा की धमकी पर कांग्रेस का पलटवार, विधायक भारत भूषण बत्रा ने कहा उपचुनाव में हार से बौखला गई है बीजेपी। बारामती में भाई दूज के मौके पर एक साथ नजर आई पवार परिवार की 3 पीढ़ियां, स्नेह भोज के लिए इकट्ठा हुआ शरद पवार का पूरा परिवार। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष ने सीएम गहलोत से की पेट्रोल पर वैट कम करने की मांग, राजेंद्र चौधरी ने कहा सही वक्त पर सही फैसला जरूरी। तेल के दाम पर सियासत की नई किश्त शुरू, कांग्रेस की केंद्र से पिछले साल बढ़ाई कीमतों में कमी की मांग। पंजाब में पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं घटाने पर बीजेपी का हमला, पूछा जब केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी घटाई तो चन्नी सरकार क्यों नहीं घटाती वैट। पंजाब में पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने की मांग को लेकर अकाली दल सड़क पर, मुख्यमंत्री आवास का घेराव। उत्तराखंड में बीजेपी सदस्यता अभियान में जुटी सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी, खटीमा में चला रही हैं डोर टू डोर कैंपेन। असम के कछार जिले में देसी बम मिलने से असम मिजोरम सीमा पर फिर तनाव, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश के सागर में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के गेट के पास आतिशबाजी का वीडियो वायरल, नर्सिंग स्टाफ ने लंबित सुरक्षा कर्मी बर्खास्त। सीतामढ़ी में बंद पड़ी रीगा चीनी मिल शुरू करवाने के लिए किसानों का प्रदर्शन, सरकार से बकाए का भुगतान करने की मांग। आगरमालवा में राजस्थान परिवहन की बस को रोककर ड्राइवर के साथ की गई मारपीट, यात्रियों ने अस्पताल पहुंचाया, बस के ठेके को लेकर हुआ हमला। जहरीली शराब से मौत के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग, कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर लगाया मरने वालों का आंकड़ा छिपाने का आरोप। बिहार में जहरीली शराब से नहीं थम रहा मौत का आंकड़ा, ताजा मामले में समस्तीपुर में 4 लोगों की गई जान। बिहार में 15 दिनों में अब तक 41 लोगों ने तोड़ा दम, जहरीली शराब पीने से हुई मौत। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड में 4 आरोपियों के खिलाफ चिपकाया गया पोस्टर, एक वांटेड भी शामिल। बिहार में शराब कांड पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेतुका बयान, कहा हत्या के लिए कानून में फांसी, फिर भी लोग करते हैं हत्या। कानून का उल्लंघन करिएगा, फांसी होगी, सजा होगा। जो हत्या के लिए कानून फांसी बना हुआ है, फिर भी लोग हत्या करते हैं कि नहीं, पकड़ा। जहरीली शराब से मौत पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का अजीबोगरीब बयान, कहा जहां प्रशासन चुस्त वहीं जहरीली शराब की घटनाएं। जहां पर प्रशासन कड़ा है वहां पर इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो। बिहार बीजेपी ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग की, कहा कानून 6 साल पुराना, समीक्षा जरूरी। शराब कांड पर चौतरफा घिरे नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग, दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए आदेश। कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, रंजीत रंजन ने कहा कानून अच्छा लेकिन खराब तरीके से किया गया लागू।
संयुक्त किसान मोर्चा की हरियाणा सरकार से मांग, किसानों के खिलाफ दर्ज मामले हों वापस। बैरिकेडिंग तो लगी रहे हैं यहाँ पे, क्या आगे कुछ इसका प्लान है कि बैरिकेड? पता नहीं, हमें तो कोई प्लान नहीं, हमारा तो है नहीं भाई, हमें तो। गुरदासपुर में 10 नवंबर को पहली किसान महासभा, हजारों की तादाद में किसानों के पहुंचने की उम्मीद। हिसार में नारनौद थाने के बाहर किसानों की महापंचायत, 8 नवंबर को बड़े आंदोलन की दी गई धमकी। फजलका में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर किसान परेशान, दुकानदारों पर लगाया ब्लैक मार्केटिंग का आरोप। कैदी करमजीत की पीठ पर आतंकवादी लिखे जाने का मामला गरमाया, 8 नवंबर को मजदूर यूनियन ने सांकेतिक भूख हड़ताल का किया ऐलान। दिवाली पर पटाखे चलाने और बेचने वालों के खिलाफ एक्शन, नोएडा में 26 लोगों पर 7.5 लाख का जुर्माना। रामपुर में पति ने पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराया केस, पाकिस्तान की जीत पर समर्थन वाला व्हाट्सएप स्टेटस लगाने का आरोप। अकोला में 7 साल की बच्ची से हैवानियत, रेप के आरोप में एक मौलवी गिरफ्तार। कन्नौज में भाई दूज के लिए भाई के घर जा रही बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट, बदमाशों ने गहने और नकदी छीनकर चलती गाड़ी से फेंका। सीकर में सराफा कारोबारी से 1 किलो 70 ग्राम सोने की लूट, दुकान से घर जाते वक्त वारदात। गुजरात के सुरेंद्रनगर में एनकाउंटर, 2 बदमाशों ने पुलिस पर तेज धारदार हथियार से किया हमला, जवाबी फायरिंग में दोनों ढेर। बाराबंकी में घुमंतू गिरोह के पास डकैत गिरफ्तार, दिन में सड़क पर दिखाते थे तमाशा, रात में घरों को बनाते थे निशाना। रोहतक में वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर के दफ्तर में फायरिंग, हिस्ट्री शीटर मनोज मुरखेड़ी पर फिरौती के लिए हमले का आरोप। हापुड़ में ब्रजघाट से लापता बच्चे की तलाश में जुटी पुलिस, 4 अक्टूबर को गायब हुआ था बच्चा, सीसीटीवी में अज्ञात शख्स के साथ नजर आया। लुधियाना के सिविल अस्पताल से नवजात बच्ची को उठा ले गई बच्चा चोर, आरोपी महिला की तलाश जारी। बिहार की गया में पुलिस पर फायरिंग, मूर्ति विसर्जन से रोकने पर भड़का गुस्सा, 3 पुलिसकर्मी घायल। तमिलनाडु के सलेम जिले में छात्र ने कीटनाशक पी कर दी जान, नीट परीक्षा में दूसरी बार फेल होने पर की आत्महत्या। तमिलनाडु के करूर में 1.5 साल के बच्चे का रेस्क्यू, दमकल कर्मियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद कमरे में बंद बच्चे को बाहर निकाला। बर्दवान में पुलिस जीप और ट्रक में टक्कर, थानेदार सहित 2 पुलिसकर्मी घायल, ग्रीन कॉरिडोर के जरिए हावड़ा अस्पताल तक पहुंचाया गया। शिमला में 5 साल के बच्चे का शव बरामद, शुक्रवार रात इलाके में तेंदुए के घुसने की खबर के बाद गायब हुआ था बच्चा। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में डिवाइडर से टकराई बीएमडब्ल्यू कार, बुरी तरह क्षतिग्रस्त, बलून ने बचाई चालक की जान। पिस्टल से गोली चलाती महिला का वीडियो वायरल, 4 सेकंड की वीडियो ने उड़ाए गौतम बुद्ध नगर पुलिस के होश, एक्शन की तैयारी। यूपी के बांदा में अवैध तमंचे के साथ डांस करती लड़की का वीडियो वायरल, तलाश में जुटी पुलिस। हरदोई में पिता ने लाइसेंसी राइफल से की हर्ष फायरिंग, बेटे ने मस्ती में सोशल मीडिया पर अपलोड किया वीडियो, पुलिस ने केस किया दर्ज। एमपी के दमोह में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, एक महिला सरपंच की गई जान। वाशिम में नवाब मलिक के खिलाफ प्रदर्शन, गांव वालों ने कहा समीर वानखेड़े के खिलाफ बंद हो बयानबाजी। दुनिया के दूसरे सबसे ठंडा रूट पर यातायात शुरू, जोजिला लद्दाख से बकेरचो जाने वाले रास्ते से होती है आर्मी और स्थानीय लोगों के लिए जरूरी सामान की सप्लाई। आसनसोल से बांकुड़ा को जोड़ने वाली नदी पर पुल बनाने की मांग, रोजाना जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं लोग। छत्तीसगढ़ की कोरबा और सरगुजा क्षेत्र में जल जंगल जमीन को बचाने के लिए पदयात्रा, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से लोग नाराज। नांदेड़ में आदिवासी सांस्कृतिक नृत्य के जरिए मनाई गई दिवाली, हजारों साल से चली आ रही है परंपरा। T20 वर्ल्ड कप में आज अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच अहम मुकाबला, अफगानिस्तान हारा तो सीधे सेमीफाइनल में जाएगा न्यूजीलैंड। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मुकाबले पर टिकी है भारतीय फैंस की निगाहें, अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया तो सेमीफाइनल में पहुंच सकता है भारत।
अफगानिस्तान, भारत और न्यूजीलैंड के 6-6 पॉइंट्स की बराबरी पर ही मजबूत होगी भारत की स्थिति। नामीबिया पर भी जीत जरूरी। आज T20 के दूसरे मुकाबले में स्कॉटलैंड से भिड़ेगा पाकिस्तान। सेमीफाइनल में पहले ही अपनी जगह पक्की कर चुकी है बाबर की टीम। सर्बिया में चल रही अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती, शिबानी ने देश के लिए जीता सिल्वर मेडल। पिता ने कहा अगली बार गोल्ड लाएगी बेटी। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान का असली चेहरा आया सामने। लाहौर हाईकोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के 6 गुनहगारों को किया बरी। ग्रीस की राजधानी एथेंस में टूटा कोरोना के नए मरीजों का पुराना रिकॉर्ड। शुक्रवार को 6,000 से ज्यादा नए संक्रमितों की पुष्टि। कोरोना को लेकर सख्ती के बीच एथेंस की दुकानों के बाहर लगी लंबी कतारें। सरकारी संस्थानों में वैक्सीन सर्टिफिकेट या कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जरूरी। लैटिन ग्रैमी अवार्ड विजेता ब्राजील की गायिका मरीलिया मेंडिकू की विमान दुर्घटना में मौत। पायलट सहित अन्य 4 लोगों की मौत की भी पुष्टि। लंदन में जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रदर्शन। मौसम में हो रहे खतरनाक बदलाव को रोकने के लिए दुनिया भर में सख्ती की मांग।